हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को देखेंगे जब नया पार्टनर प्रीमियम को कैश में ना लेकर के वो एसेट्स के तौर पर लेकर आते हैं, ठीक है ना। उनका जो भी कैपिटल अमाउंट होगा या गुडविल अमाउंट होगा वो उसे कैश ना दे करके कुछ एसेट्स बिजनेस में देते हैं। तो उसके बेसिस पे हम देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को देखा था जब वो कैश लेकर के आते हैं बिजनेस में, एंड ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट हम किस तरह से करते हैं, प्लस न्यू गुडविल को जो पार्टनर्स होते हैं न्यू पार्टनर की गुडविल को किस तरह से अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस पर हमने उसे अच्छे से देखा था, समझा था। आज के इस वीडियो में हम इसको हम सॉल्व करने वाले हैं जब वो एसेट्स के तौर पर लेकर आएंगे बिजनेस में। तो क्वेश्चन को देखते हैं और उसे हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। राम एंड रहीम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। सो राम एंड रहीम पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं, उनका जो ओल्ड रेशियो है वो है 3:2। इस रेशियो में वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दे एडमिट राज एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/13 शेयर इन द प्रॉफिट्स। सो वो 3/13 के लिए आए हैं बिजनेस में। द न्यू रेशियो विल बी 5:5:3। यहाँ पर न्यू रेशियो भी गिवेन है, ओल्ड रेशियो ये है, न्यू रेशियो ये है। जब कोई भी क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन होता है तो उसके केस में हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना होता है। न्यू रेशियो गिवन नहीं होता है तो हम ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेते हैं, क्योंकि यही फाइंड आउट जब हम करते हैं तो निकल कर आता है। राज कॉन्ट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग एसेट्स टूवर्ड्स हिज कैपिटल एंड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो उन्होंने कुछ दिया है कैपिटल एंड गुडविल के लिए, एसेट्स दिए हैं बिजनेस में। लैंड है 2,50,000 रुपये की, प्लांट है 1,50,000 रुपये का, स्टॉक 80,000, डेटर्स 70,000 रुपये के, ठीक है। सो इन्होंने एसेट्स के तौर पर बिजनेस में दिया है अपनी कैपिटल एंड गुडविल को। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ राज द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 5,20,000, रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो यहाँ पर उन्होंने ये जो 5,20,000 जो आप ये देख रहे हैं ना, ये फर्म की गुडविल है। और फर्म कितने लोगों की, तीन की, राम रहीम एंड जो तीसरे पार्टनर आए हुए हैं राज, उनकी है। तो हमें राज की गुडविल फाइंड आउट करनी होगी कि राज की इसमें से गुडविल कितनी होगी। तो उनका जो शेयर है हम उस शेयर से उसको फाइंड आउट कर लेंगे। 3/13 है उनका शेयर, ठीक है। तो अभी हम एंट्री पास करेंगे, ईजी है। उसमें जब वो कैश लेकर आते थे तो हम कैश या फिर बैंक को डेबिट करते थे, ठीक है। यहाँ पे हम एसेट्स को डेबिट करेंगे, जो जो एसेट्स लेकर के बिजनेस में आएंगे उन एसेट्स को हम डेबिट कर देंगे। तो देख लेते हैं, यहाँ पे लैंड है, प्लांट है, स्टॉक है एंड डेटर्स है। यहाँ पे जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे हमारा लैंड अकाउंट डेबिट, ठीक है, प्लांट एंड स्टॉक, प्लांट अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट। जितनी एसेट्स होती हैं अगर वो इंक्रीज होती हैं तो डेबिट हो जाती हैं, ठीक है। ये हो गया। अभी इनका अमाउंट देख लेते हैं डेबिट में, 2,50,000, 1,50,000, इसके बाद 80,000 एंड 70,000। ये उनकी एसेट्स थी। अभी जो मिस्टर राज है हम उनकी यहाँ पे अब क्रेडिट हो जाएगा टू नए पार्टनर है राज, राज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सो हमें ये दो चीज़ें पता करनी है कि ये जो एसेट्स है इसमें से हमें कितना उनकी गुडविल है, कितनी उनकी कैपिटल है। सो यहाँ पे गुडविल जो फर्म की टोटल गुडविल दे रखी है, गुडविल वैल्यूड 5,20,000 है यहाँ पे, ठीक है। तो इस 5,20,000 में हम राज का शेयर निकाल लेंगे। राज का शेयर है 3/13, ठीक है, 3/13 यहाँ से भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर उनकी गुडविल है 5,20,000। यहाँ पर कर लेती हूँ गुडविल फाइंड आउट। टोटल गुडविल थी आप हमारे पास 5,20,000, जो राज है उनका शेयर है 3/13। सो ये राज की गुडविल आ जाएगी। सो आप इसको डिवाइड करिएगा तो 13×2=26 होता है, 13×4=52 होता है आपका, ठीक है। 4×3=12, 1,20,000 ये हो जाएगी राज की गुडविल, ठीक है, 1,20,000। अब इसे जो ओल्ड पार्टनर्स है वो अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो होता है हमारा
आप वो फाइंड आउट करना होगा, तो इसका जो रूल है वो है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये फॉर्मूला है, माइनस न्यू रेशियो। राम है एंड रहीम है, निकाल लेते हैं यहीं पर हम, राम एंड रहीम का सैक्रिफाइजिंग रेशियो। सो थ्री अपॉन ओल्ड रेशियो था 3:2 मीन्स 3/5, 2/5 ये है। तो यहाँ से माइनस करेंगे न्यू रेशियो को, न्यू है 5:5:3 मीन्स 5/13, 5/13। सो 5/13। सो जब हम इनका एलसीएम लेंगे ना 5 और 13 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 65। 5 3 15 65। अभी हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। सो 13 टाइम्स में डिवाइड होगा, सो 13 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 39। ठीक है, फिर 13 5 65, 5 5 25, माइनस कर देंगे हम इसको, ये हो जाएगा 14 आ जाएगा। अब ऐसे इनका भी कर ले लेंगे एलसीएम, 65 हो जाएगा। अब 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 13 and 13 2 जो यहाँ पर हो जाएगा 26, माइनस करेंगे 13 5 and 5 5 25, यहाँ पे इनका आ जाएगा 1। सो सैक्रिफाइजिंग रेशियो इज 4:1। इस रेशियो में ये जो गुडविल अमाउंट आया है राज का, वो डिवाइड कर लेंगे आपस में पार्टनर्स। ठीक है, अभी डिवाइड करके बताते हैं। अभी हम देख लेते हैं गुडविल, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हमने एसएस की वैल्यू को डेबिट में शो कर दिया। अब प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट कितना हो गया इनका, राज का 1,20,000। 1,20,000 को हम क्रेडिट कर देते हैं। अभी हम इनका टोटल कर लेंगे, ठीक है ना, इन सब का। सो 2,50,000 + 1,50,000 ये कितना हो गया, 2, 1, 3, 4 लाख। 8 और 7 कितना हो गया, 1.5 लाख। सो ये आपका हो जाएगा 4 और 1.5, 5.5 लाख। 5.5 लाख में से अगर हम 1,20,000 माइनस कर देते हैं, तो जो बैलेंस अमाउंट बच जाएगा ये हो जाएगा इनका कैपिटल। कैपिटल हो जाएगी इनकी 4,30,000। टोटल आ रहा था 5,50,000, 1,20,000 यहाँ हो जाएगा और 4,30,000 यहाँ हो जाएगा उनकी कैपिटल राशि। इस तरह से ये फाइंड आउट हो जाएगी इनकी कैपिटल एंड गुडविल। ठीक है, अभी इस गुडविल को वो लोग ने सैक्रिफाइजिंग रेशियो में जो पार्टनर्स हैं ओल्ड पार्टनर्स, उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। सो प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पर अब हो जाएगा डेबिट, इसको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कर देंगे, 2 हो जाएंगे राम कैपिटल अकाउंट एंड 2 रहीम्स कैपिटल अकाउंट। राम एंड रहीम थे हमारे पास दो पार्टनर थे। 1,20,000 को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 14:1 रेशियो में। सो यहाँ पर यहीं पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं राम रहीम। ठीक है, 1,20,000 14/15, 1,20,000 वन था इनका, ये 1 है रहीम का एंड 15। अब इसे हम कर देंगे डिवाइड। सो डिवाइड करने पे जितना आएगा 95, तो ये हो जाएगा 15/8 120। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे इनका आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे 4×32,000 1,00,000 इनका हो जाएगा 1,12,000 एंड इनका हो जाएगा 8,000। तो जो रहीम जो राम है उनके हिस्से में चला जाएगा 1,12,000 एंड जो रहीम है उनके हिस्से में चला जाएगा 8,000 एंड टोटल प्रीमियम फॉर गुडविल था हमारे पास 1,20,000। सो इस तरह से वो आपस में सैक्रिफाइजिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। आई होप ये आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे, क्योंकि जो नया पार्टनर होता है वो कैश कभी कभी कैश में लेकर के आते हैं अपने कैपिटल एंड गुडविल को, और कभी कभी क्या होता है ब्रॉड इन काइंड मीन्स इस प्रकार से भी लेकर के आते हैं, मीन्स एसेट्स के तौर पर भी बिजनेस में वो ला सकते हैं। तो हम कुछ नहीं करेंगे, जिस तरह से हम कैश और बैंक को डेबिट करते थे वैसे ही हम सारी एसेट्स को डेबिट कर देंगे। जी, न्यू पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, उनका प्रीमियम फॉर गुडविल भी क्रेडिट हो जाएगा।
वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल दी होती है, उसमें से हम न्यू पार्टनर का जो भी शेयर होता है उसका शेयर निकाल लेंगे गुडविल का, और वो शो करेंगे, प्लस ओल्ड पार्टनर्स उसे अपने सैक्रिफाइजिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।